हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे न्यू रेनो डस्टर की। जी हाँ, न्यू रेनो डस्टर, जो काफ़ी समय से उस गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें आ रही थी कि इस गाड़ी में अभी इतना कुछ रहा नहीं कि अभी से जो किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा से कंपेयर किया जाए, या ऐसा कह जा सकते हैं कि ये गाड़ी अब रही नहीं थी किसी के दिमाग में कि हम इस गाड़ी को क्रेटा और किया सेल्टोस के सामने लें। तो अब रेनो ने एक अच्छा, जो कहें आप, डिसीजन लिया है कि इसका नया फेसलिफ्ट ला रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा लुक इसका आ रहा है आप लोगों को, मुझे लगता है ये लुक बहुत पसंद आएगा। और सब बात करेंगे हम इसके बारे में कि ये गाड़ी किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा के सामने कैसी है। तो चलिए, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इसके लुक्स की। तो लुक्स तो देखिए आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, एक न्यू जनरेशन, मतलब लग रहा है कि गाड़ी 2021 में आ रही है, मतलब एक नए, जो कहें कि एक नए वेरियंट के साथ, नए फीचर्स के साथ ये गाड़ी आएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से इस गाड़ी में ऐसा लग रहा था कि कुछ कमियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है इसमें, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जो इसको कुछ यूनिक बनाती है। पहले ये गाड़ी एक अलग ही चीज़ लेके चलती थी कि ये इतनी, जो आप कहें कि प्राइस में बड़ी बॉडी इसका था, जो एसयूवी लुक, तो वैसा लेके चलती थी। तो अब इसका ये नहीं रहा था जब से किया सेल्टोस और ह्यूंडई क्रेटा आई है। और अब इसके इंजन की बात करते हैं, वो ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस के सामने बहुत बड़ी चीज़ होगी, और स्कोडा की जो कुछ शक है उसके सामने भी। तो देखिए, जो रेनो डस्टर है उसमें आपको एक 1.3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 1.128 bhp और का जो है पावर प्रोड्यूस करेगा वो इंजन, मतलब 128 bhp का पावर निकालेगा वो इंजन। और जो दूसरा डीजल इंजन आपको इसमें मिलेगा वो होगा 148 का, जो आपको अच्छी पावर, मतलब डीजल इंजन में जो प्रोड्यूस करके देगा। तो देखिए, इंजन की बात करें इसकी तो बहुत अच्छी है, इंजन में पावर जो रेनो ने अच्छी दी है इसमें। अब देखना होगा कि जब ये गाड़ी पूरी तरह से लॉन्च होती है तब चलाने में कैसी होगी। बाकी इसके बारे में और भी देखेंगे हम। इंटीरियर आप देख रहे हैं तो इंटीरियर एक अच्छा अपडेटेड लग रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी समय से अगर क्रेटा और किया सेल्टोस के सामने इस टाइम पे कोई गाड़ी आए तो उनके उसके सामने बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये गाड़ी अपनी एक इमेज बनाए रखी है। किया सेल्टोस की बात करें तो उसका तो चलिए अभी बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें आ रही है कि गाड़ी दो हिस्सों में हो, अलग हो जा रही है, बिल्ड क्वालिटी नहीं, ऐसा है वैसा है। तो किया सेल्टोस की अब थोड़ी सी आप कहें कि जैसे पहले फैन फॉलोइंग थी अब नहीं रही। और क्रेटा की बात करें तो वो तो वहीं की वहीं है, इतना कुछ उसमें जो है फ़र्क नहीं आया है। और जो ह्यूंडई है वो भी उसके फीचर्स को जो बेस मॉडल से धीरे धीरे करके निकाल रही है। तो ये बातें इन गाड़ियों के बारे में आ रही है, तो देखना होगा कि रेनो डस्टर कैसे इन दोनों गाड़ियों से अपने कंपटीशन में आगे बढ़ती है। तो ये देखिए, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके बारे में बताई। तो देखिए, अब आपको खुद बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि डस्टर आपको अच्छी लग रही है कि इस लुक में, या पहले, या ये अब जो क्रेटा और किया सेल्टोस के सामने खड़ी होने के लायक है। तो मुझे कमेंट जो बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है कि क्रेटा और किया सेल्टोस के सामने बिक पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो रेनो की बिल्ड क्वालिटी है, तो देखिए रेनो की जो ड्राइवर है उसका बिल्ड क्वालिटी टेस्ट हुआ, तब क्रैश टेस्ट हुआ, तो उसने 4 स्टार जो कहें कि अचीव किए। तो ऐसा कुछ रेनो डस्टर कर जाए तब तो ये गाड़ी और भी बेहतरीन बन जाएगी। और वहीं बात करें अगर रेनो की और गाड़ियों की, तो रेनो की और गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब रेनो काफ़ी अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले आप रेनो की गाड़ियों को देखें तो ज़्यादातर कोई ढी नज़र आती थी, और गाड़ियों का ऐसा लगता था कि यार रेनो की कोई गाड़ी रही ही नहीं है। लेकिन अब गाड़ियाँ धीरे धीरे ये रेनो की अच्छी आ रही है, और उम्मीद भी है कि अब ये गाड़ी अपनी अच्छी लॉन्च करेंगे और सब कुछ